मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं, तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। एक टेलीफोन इंटरव्यू में रेडियो अनाउंसर ने अपने मेहमान एक करोड़पति से पूछा, आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी किस चीज़ से मिली? करोड़पति ने कहा, मैं जीवन में खुशी के चार स्टेज से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्ची खुशी का मतलब समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्टेज पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तु इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इस चीज़ का असर भी अस्थाई होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया तीसरा पड़ाव, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने का, जैसे फुटबॉल टीम खरीदना, टूरिस्ट रिजॉर्ट खरीदना और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ भी मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथी बार मेरे एक मित्र ने मुझसे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा। एक मित्र के अनुरोध पर मैंने तुरंत अनेक व्हीलचेयर खरीदी, लेकिन दोस्त ने जिद की मैं उसके साथ जाऊं और व्हीलचेयर बच्चों को सौंपूं। मैं तैयार हो गया और उसके साथ चला गया। वहाँ मैं अपने हाथों से इन बच्चों को ये व्हीलचेयर देता हूँ। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हीलचेयर पर बैठे इधर उधर घूमते और मौज मस्ती करते देखा। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पिकनिक स्पॉट पर आ गए हों। लेकिन मुझे असली खुशी तब महसूस हुई जब मैं जाने लगा और एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को घूर कर देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैंने जुट कर बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया उससे ना सिर्फ मुझे खुशी हुई बल्कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं, तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। दोस्तों, आज की यह कहानी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है और ये सुनने के बाद इसका मोरल देने की भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि हम इसे सुनते ही समझ सकते हैं। सो आपने इस कहानी से क्या ग्रहण किया, आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, ये स्टोरी सबके साथ शेयर करें ताकि जो अभी आप महसूस कर रहे हो वही वो लोग भी कर पाए। सो दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और ट्रू पहचान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही स्टोरी और वीडियो लाते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है और आसान बना सकता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।